हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्पीड फॉर्मूला इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला तो वही है बेसिक जो आपने पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम। अब इसमें कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन करने हैं। मान लीजिए आपने एक रेवोल्यूशन कंसीडर किया, एक रेवोल्यूशन किया, तो जो टाइम होगा इस रेवोल्यूशन में वो टाइम पीरियड कहलाएगा। लेट्स से आपने यहां से शुरू किया, ये पॉइंट ए से जर्नी शुरू की, गए और वापस ए पर पहुंच गए, तो लेट्स से कि ए बी सी डी, आप गए ए बी सी डी और वापस लौट के आए ए, तो आपका जो डिस्टेंस हुआ इसमें वो डिस्टेंस निकल कर आया पेरीमीटर के बराबर, दैट इज पेरीमीटर। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, टू पाई आर। और जो टाइम लगा वो टाइम टी जो होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड, तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। तो जब इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिस्टेंस का वैल्यू हो गई टू पाई आर और टाइम की वैल्यू हो गई कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो स्पीड का फॉर्मूला जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्पीड इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू है टू पाई आर और टाइम की वैल्यू आ गई कैपिटल टी। तो इस तरह से आपका स्पीड का फॉर्मूला जो आ गया वो आ गया टू पाई आर अपॉन टी, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड टी इज़ अ टाइम पीरियड। यूनिट इसकी वही होगी मीटर पर सेकंड, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो जब वॉच वाला न्यूमेरिकल आता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ नहीं होता कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको ये डेटा समझना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। मान के चलिए वॉच में आप कंसीडर कर रहे हैं, वॉच मिनट सेकेंड्स हैंड आप डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड्स हैंड की आप बात कर रहे हैं, सेकेंड हैंड पूरा एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में करेगा, 60 सेकंड में, तो उसका टाइम पीरियड हो गया 60 सेकंड। अगर मिनट हैंड की बात करेंगे, मिनट हैंड घूम के वापस अपनी जगह पर आएगा, मिनट्स हैंड कितना, लेट्स से 3 से शुरू किया है, वापस आने में इसको 60 मिनट लगेंगे, तो टाइम पीरियड हो गया 60 मिनट, 60 मिनट। सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 into 60, दैट इज 3600 सेकेंड। अब बात करते हैं आर्स हैंड की, आर्स हैंड। अब इसमें ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो दिन से आर्स हैंड निकाल लेते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे के बाद सुई आएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने सुबह के 3 बजे घड़ी देखी है तो वापस वो 3 बजे पर पहुंचेगी एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद, यानी 12 आवर्स के बाद। तो आवर्स हैंड का जो टाइम पीरियड होगा वो टी इक्वल टू 12 आवर्स होगा, 12 आवर्स, सो 12 और आवर्स में 3600 सेकंड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करते आप, एज इट इज इसको यूज़ कर लीजिएगा, इतने सेकेंड्स। तो जब भी आपका वॉच वाला न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड का टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ होगा, वो आपको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। बाकी जो है, जो रेडियस होगी वो रेडियस दे रखी होगी, मेनली याद रखना है कि आर जो है सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, और टी आपका ये आपने निकाल रखा है, तो आपको ये सॉल्व करना होगा इस तरह से। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।